मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में NHAI की 7 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 14 सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हाईवे के किनारे पौधरोपण होना चाहिए, साथ ही सड़क निर्माण एवं एलिफेंट कॉरिडोर को नुकसान और हाथियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो। 1 अप्रैल 2021 से मनरेगा अंतर्गत श्रमिकों को 225 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों, उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को बढ़े हुए दर से भुगतान करने से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। रांची के गेतलसूद डैम में 100 मेगावाट क्षमता का लगेगा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र। फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के अधिष्ठापित होने से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा के रूप में पूर्व प्राथमिक कक्षा में आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के शुल्क को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए के भुगतान की स्वीकृति के प्रस्ताव और उससे संबंधित स्वीकृति आदेश के प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में भाग ले रही राष्ट्रीय जूनियर हॉकी खिलाड़ियों से ऑनलाइन बात की। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित झारखंड और पंजाब के खिलाड़ियों का हाल जाना। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें।